आज हम बात करने जा रहे हैं कि स्टॉक मार्केट के कितने तरीके से फ्रॉड होते हैं जनरली एवरीडे, लेकिन हमको पता नहीं है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं जो लोग ऑलरेडी ऐसे फ्रॉड्स में फंस चुके हैं, तो मैं आपको अवेयर कर रहा हूँ अगर ऐसी घटना आपके साथ हो रही है तो आप भी इसे रोक दें। नमस्कार, मैं हूं प्रसाद और आपको स्वागत करता हूं इन्वेस्टमेंट ऑन ब्लॉक में। पहला जो स्टॉक मार्केट में जनरली अभी बहुत फ्रॉड्स हो रही हैं वो हो रहा है अकाउंट फ्रॉड। क्या है अकाउंट फ्रॉड? आप अगर फॉरेक्स फैक्ट्री यूज़ करते हैं तो फॉरेक्स फैक्ट्री में क्या होता है, इकोनॉमी के रिलेटेड, दूसरे देशों के रिलेटेड बहुत सारे न्यूज़ आते हैं, वो उन न्यूज़ को पढ़ने के लिए लोग फॉरेक्स फैक्ट्री में जाते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग के अपडेट्स पाने के लिए। तो वहाँ पर वो डेटा ले लेते हैं, बहुत सारे लोग वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट चलाते हैं कि आप हमारे साथ अकाउंट ओपन कीजिए, हम आपके लिए ट्रेड करेंगे और बहुत अच्छा पैसा बनाएंगे। उसके बाद क्या होता है, वो हाई रिटर्न्स का एश्योरेंस देते हैं आपको कि बहुत सारा मुनाफा होगा, तो आप हमारे साथ ट्रेड कीजिए, हम आपके लिए ट्रेड करेंगे और बहुत पैसा बनेगा। तो आप जनरली क्या करते हो, एक छोटा अमाउंट कुछ दे देते हो, तो वो भी एक फ्रेम दे देते हैं कि नहीं सर, मिनिमम आपको 20,000, 30,000 या 50,000 का इन्वेस्टमेंट करना होता है। उसके बाद वो बताते हैं कि कितना रिटर्न जनरेट हुआ। जैसे कि आपने 50,000 रुपये दिए थे तो उसको कर देते हैं एक अच्छा सा ट्रेड ले लिया और उसमें से 20 लाख, 25 लाख या फिर 50 लाख, 30 लाख ऐसा हो गया। तो ऐसा होता है जनरली। मेरे क्लाइंट आए थे जिनका उन्होंने अकाउंट ओपन किया, इन्होंने दिए थे 50,000 और उसको 2-3 दिन ट्रेडिंग करके उन्होंने 27 लाख बना दिया। उसके बाद आता है आप जब बोलते हो कि वो पैसा हमको वापस चाहिए, जो हमने रिटर्न में कमाया है वो पैसा दीजिए, तो वो बोलते हैं कि आपके अकाउंट में ट्रेडिंग हुआ है तो आप अगर पैसा लेने के बाद हमें फीस नहीं दोगे तो इसलिए यहाँ आपको प्रोसेसिंग फी देना पड़ता है। मतलब जो प्रॉफिट शेयरिंग की बात हुई थी कि जितना प्रॉफिट बनेगा उसमें से 30% वो लेंगे और 20% और 70% आपका होगा। तो प्रोसेसिंग फी कैलकुलेशन होता है कितना, 30 लाख का आपका 30%, मतलब 30 लाख का 3-3 लाख करके 9 लाख रुपये का प्रोसेसिंग फी होता है जो उन्हें मिलना है। तो आपको मांगते हैं कि 9 लाख रुपये आप डिपॉजिट कीजिए, तो आप बोलते हैं कि 9 लाख नहीं है, तो उसकी बार्गेनिंग होता है, जो कुछ भी हो वो 3-4-5 लाख से नीचे नहीं आने वाले। तो जैसे आप 3 लाख या 4 लाख उनको डिपॉजिट देते हो उनका फी का, उसके बाद वो आपको नंबर ब्लॉक कर देते हैं और वो अकाउंट भी आपका ओपन नहीं होता। तो एक ऐसा फेक चल रहा है, मेरे 2-3 स्टूडेंट जो मेरे पास आए हैं वो बहुत बार मुझे पूछे कि सर NSE सेफ है, BSE सेफ है। मैं बोला आप इतनी बार क्यों पूछ रहे हो? तो जब मैंने उनसे ये कहानी सुना और मेरे साथ भी ऐसे बहुत सारे कॉल्स आए थे कि आप हमारे साथ ट्रेडिंग कीजिए, हम आपको हाई रिटर्न्स देंगे, तो लेकिन मैं अवॉइड किया था क्योंकि वो जो रिटर्न्स बता रहे थे वो पॉसिबल नहीं है। तो मैं ट्रेडर हूँ, फुल टाइम ट्रेडर हूँ, तो मुझे पता है कि महीने के आप अगर अच्छे भी ट्रेडर हैं 2-4 या 5% ही कमा सकते हैं, साल का आपने अगर 50% भी कमाया तो आप फिनोमिनल ट्रेडर हैं। लेकिन वो एश्योर करते हैं कि आपको 50,000 में हर रोज़ आपको 10-20,000 प्रॉफिट करके देंगे, तो यहाँ पे रिस्क भी बढ़ जाता है। तो मैं थोड़ा डिफेंसिव ट्रेडर हूँ तो मैं ऐसे अवॉइड करता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ऐसे फ्रॉड्स होते हैं। तो एक स्टूडेंट ने जब बताया तो मुझे पता चला कि उन्होंने 5 लाख रुपये फीस दिए, उसके बाद नंबर ब्लॉक हो गया। दूसरा जो फ्रॉड होता है, एडवाइजरी का फ्रॉड। आप लोग अगर ट्रेडिंग करते हो तो बहुत सारे एडवाइजर आपको फोन करते होंगे कि आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, कितना पैसा बन रहा है। आप अगर बोलेंगे लॉस हो रहा है तो वो बोलेंगे प्रॉफिट कर देंगे, आप अगर बोलेंगे प्रॉफिट हो रहा है तो वो बताएंगे और ज्यादा प्रॉफिट बना देंगे। तो पहले वो क्या करते हैं, कॉल्स टेस्ट के लिए देते हैं। आप अगर टेस्ट के लिए कॉल्स लोगे तो क्लिक भी हो जाता है। क्यों? वो बोलते हैं कॉल बाय करो और कुछ लोगों बोलते हैं पुट बाय करो। तो अगर पुट वालों का मार्केट गिर गया तो पुट वालों का पैसा बना, तो उनको फी मांगते हैं कि आप डिपॉजिट दीजिए, फिर से हम ट्रायल लेंगे। अगर जिन्होंने कॉल लिया था उनका लॉस हो गया तो उनको बता दें कि और एक टेस्ट कॉल देते हैं। तो 2-3 बार आप टेस्ट कॉल लेते हो तो अच्छा पैसा बन भी जाता है, तो वो आपको मांगते हैं कि फीस दीजिए। फीस देने के बाद वो आपके जो कॉल्स प्रोवाइड करते हैं, वो कॉल्स में बहुत लोगों ने काम किया एडवाइजरी में और सब ने लॉस किया। अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा है एडवाइजरी लेके बहुत अच्छा पैसा बनाया, तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि कैसे एडवाइस ले रहे हैं, कितना पैसा दे रहे हैं और कैसा पैसा बनाया। और अगर आपका लॉसेस हुआ है तब भी बताइए कि कैसा लॉसेस हुआ है और क्या रीजन था उसके पीछे। उसके बाद आता है लॉसेस जब होता है, वो बोलते हैं कि हमारा एक गोल्ड पैक है, सिल्वर पैक है, डायमंड पैक है, उसको खरीदिए, तो आप उसके लिए भी पैसे देते हो।
और उसके बाद उसमें जो कॉल्स आप प्रोवाइड होता है उसमें भी आप लॉसेस करते हो। तो ये उनका एक स्कैम होता है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा फिर पहले 5,000 मांगेंगे, फिर गोल्ड प्रीमियम 20,000 30,000 मांगेंगे, आप वो उनका फी ही प्रॉफिट नहीं कर पाओगे, आपको तो अपना पैसा बढ़ाने का अलग बात है। तो ऐसे प्रॉब्लम्स बहुत होते हैं। मैं 2010 से मार्केट में हूँ, तकरीबन 2,500 क्लाइंट का मैं अकाउंट संभालता था। मैं मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज़ के एक सब ब्रोकर के अंदर में बहुत साल काम कर चुका हूँ, तो आपको मेरा खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं होता है। एडवाइजरी में मैं 2,500 लोगों के साथ कांटेक्ट में हूँ, कोई भी एडवाइजरी में पैसा नहीं बनाया। अगर कोई अच्छा इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है, कोई अच्छा आपको एडवाइस कर रहा है कि शॉर्ट टर्म कॉल्स देंगे तो अच्छा है, लेकिन इंट्राडे कॉल्स हर रोज आपको पैसा बन जाए ऐसा कॉल्स मत लीजिए। पोजिशनल्स है या फिर इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ हैं तो वो काम करते हैं, आप रिसर्च एनालिसिस जो भी है उनको थोड़ा बैकग्राउंड चेक कीजिए, इन्वेस्टमेंट में पैसा बनता है सर। लेकिन ट्रेडिंग में ये डिपेंड करता है, मतलब इंसान टू इंसान वैरी करता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं तीसरे तरीके के फ्रॉड जो होते हैं, ब्रोकर फ्रॉड। अरे ब्रोकर्स तो सही होते हैं, सब कुछ बता देते हैं आप लोगों को, नहीं ब्रोकर्स में भी फ्रॉड्स होते हैं। जैसे कि फ्री डीमैट अकाउंट, ये झूठ है, फ्री डीमैट अकाउंट नहीं होते। अकाउंट ओपन हो जाता है, उसका मेंटेनेंस रहता है, हर साल आपका मेंटेनेंस फीस रहता है। तो आप अगर सोच रहे हो कि मेरा डीमैट अकाउंट पूरा फ्री है, फ्री नहीं है, हर साल आपको CDSL NSDL की तरफ से पैसा काटा जाता है, ब्रोकर उसमें भी कुछ कुछ पैसा निकालता है काटता है। तो आप जब भी अकाउंट ओपन कर लिए तब पूछ लीजिए कि एनुअल मेंटेनेंस फी क्या है। अगर आपको पता है फीस लगता है लेकिन ये बताया नहीं गया था तो ये भी फ्रॉड है एक तरह का। तो जब फ्री अकाउंट होता है तो उनको पूछिए कि आप मेंटेनेंस चार्ज नहीं लोगे, लोगे है ना, तो फ्री अकाउंट का क्या मतलब है, चार्जेस तो लेते हो आपका सालाना। उसके बाद आता है ब्रोकरेज स्ट्रक्चर। बहुत लोगों ने मैंने देखा है कि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए ब्रोकर्स चुनते हैं, जैसे हो गया जीरोधा हो गया, ऑफस्टॉक हो गया, फिर ट्रेडिशनल ब्रोकर को कोई भी ना हो, कोई भी हो, तो उनका स्लैब रहता है ब्रोकरेज का। आप अगर ऐसा भी कुछ स्ट्रक्चर है जहां पर आप अगर उनको पेमेंट कर देते हो एडवांस भी साल का 2,000 3,000, तो वो ब्रोकरेज बहुत कम लेते हैं। ब्रोकरेज फ्री स्कीम्स भी होते हैं, तो उनका स्लैब्स रहता है, उस स्लैब को जानिए, उसके हिसाब से आप ब्रोकर चुनिए, उनका स्कीम्स देखिए। कुछ कुछ ब्रोकर्स ऐसे हैं जो कि आप जब कभी भी शेयर बेचोगे तो स्क्रिप वाइज ब्रोकरेज भी लेते हैं, डीमैट अकाउंट से प्राइस निकाल के देने के लिए, डीमैट अकाउंट से निकाल के ट्रेड करने पर, जो आपको डिलीवरी सेल करने पर, उसका भी एनुअली चार्ज लगता है। तो ये स्ट्रक्चर को समझिए कि कौन से स्ट्रक्चर में आपको डीमैट अकाउंट दिया जा रहा है। बहुत छोटे मेंटेनेंस फी जहाँ रहता है वहाँ पे ब्रोकरेज थोड़ा हाई रहता है, जहाँ पर ब्रोकरेज बहुत लो रहता है जहाँ वहाँ पे AMC बहुत बड़ा रहता है। तो इसको पूछिए कि क्या क्या स्कीम्स अवेलेबल हैं आप अगर 1-to-1 अकाउंट ओपन कर रहे हैं। लेकिन अभी बात कर रहे हैं जो ज़्यादातर लोग ऑनलाइन में अकाउंट खोल रहे हैं, ऐप डाउनलोड कर देते हैं और अकाउंट खोल देते हैं। एक तो बात, आपको ऑपरेट करना नहीं आता। मैं हमेशा बताया हूँ कि आप जब कभी भी नए हो, अकाउंट नया खोलने जा रहे हो, तो ट्रेडिशनल ब्रोकर के साथ अकाउंट खोलिए, वो आपको सिखाएगा बाय कैसे होता है, सेल कैसे होता है, स्टॉप लॉस ऑर्डर कैसे प्लेस किया जाता है, और काफ़ी सारी चीज़ें जो जनरली आप धीरे धीरे जानोगे। तो ट्रेडिशनल ब्रोकर के साथ बिगिनिंग करें, आप अगर प्रो बन गए, ट्रेडिंग के सारे टर्म्स पता चल गया, उसके बाद आप आ सकते हो डिस्काउंट ब्रोकर में। डिस्काउंट ब्रोकर में प्रॉब्लम क्या है अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा। आप जब शेयर बेचते हो डीमैट अकाउंट से, अगर 2 दिन पहले या 15 दिन पहले खरीदे हो, तो वहां पे आपको OTP आता है। OTP कंफर्म होने के बाद आप सेल करते हो। वो क्यों होता है ये OTP? आप अगर ट्रेडिशनल ब्रोकर के साथ ट्रेड करते हो तो वहां पे OTP नहीं होता, आप जब चाहो तुरंत बेच सकते हो। इस कारण बहुत लोगों का लॉस होता है। कैसे? आप बेचना चाहते हो, प्राइस गिर रहा है, लेकिन आप बेच नहीं पा रहे हो, OTP नहीं आ रहा है। ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि आपका POA नहीं है। POA मतलब पावर ऑफ अटॉर्नी। आपके अकाउंट में आपका पावर नहीं है। किसके पास पावर है? पावर है आपका ब्रोकर के पास। तो उसको मांगिए कि पावर ऑफ अटॉर्नी मेरा दे दीजिए। इसका सिंपल प्रोसेस है, आप एक वो लेटर देंगे, वो लेटर में आप साइन करोगे, उसको भेज दोगे, तो पावर ऑफ अटॉर्नी क्लियर हो जाएगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सोचिए कि मार्केट क्रैश होने वाला है या फिर स्टॉक क्रैश होने वाला है, जो आपको पता है, आप सवेरे उठ के बेचना चाह रहे हो लेकिन आपको OTP नहीं आ रहा है, आप प्रॉब्लम में फंस जाओगे, बहुत लॉसेस हो जाएगा। आपका अकाउंट है, आपके पास पावर ऑफ अटॉर्नी होना चाहिए। तो ये आपको ये चीजें पता नहीं था,
आपको पता चला है कुछ कंटेंट में, तो प्लीज काइंडली लाइक करें और कमेंट में लिखिए कि कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि हम बहुत रिसर्च करके ये सब वीडियो बनाते हैं। ये वीडियो आगे बढ़ाइए, शेयर कीजिए और दोस्तों को बताइए कि ऐसे भी हर रोज फ्रॉड होता है आपके साथ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच इन्वेस्टमेंट।